अच्छा छा के प्यार बच्चों, इंग्लिश में आपके चार लेसन समाप्त हो गए हैं। अब कितने बच्चे इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं? अब जो लोग देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही इसका लाभ ले पाएंगे। अपने साथियों को आप बताइए, कोशिश करिए कि वो भी इससे जुड़े। यदि व्हाट्सएप का नंबर नहीं दिए हैं तो यहाँ आकर के नंबर दे दें, उनको जोड़ दिया जाएगा और यहाँ जितने क्लासेस चल रहे हैं सबका लाभ ले सकते हैं। लेसन 4 आपको पढ़ाया गया, उसकी मीनिंग भेज दी गई, कल उसका एक्सरसाइज भी भेज दिया गया है। लेसन 5 की मीनिंग आपको भेज दी गई है। लेसन 5 आज आपको हम पढ़ाएंगे। मीनिंग नोट कर लीजिए, मीनिंग की कॉपी बना लीजिए, क्वेश्चन आंसर की कॉपी तैयार कर लीजिए। जितना यहाँ लिखाया जा रहा है उसको नोट करते जाइए, तैयार करते जाइए, और 4 रोल की कॉपी में राइटिंग जरूर लिखिए, शुद्ध शुद्ध बिल्कुल। चलिए हम आते हैं लेसन 5 में। अवेयरनेस, इसका मतलब है जागरूकता। पहले रीडिंग कर लें। अनुज वाज द सन ऑफ ए पुअर फार्मर, ही लिव्ड इन ए विलेज। रेलवे लाइन वाज पासिंग बाई हिज विलेज। द विलेज वाज ऑन द वन साइड ऑफ द रेलवे ट्रैक एंड द एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑन द अदर। अनुज एंड अदर विलेजर्स हैड टू क्रॉस दिस रेलवे ट्रैक टू गो टू दियर फील्ड्स। इट वॉज रेनिंग फॉर सम डेज, बट दैट डे द रेन हैड स्टॉप्ड। अनुज फादर केम आउट ऑफ द होम एंड लुक्ड एट द स्काई। इट वॉज क्लियर, देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई। ही वेंट टू सी हिज फील्ड, द फील्ड वॉज रेडी, देयर वॉज इनफ वाटर इन इट टू सो द सीड्स। ही केम बैक होम हैप्पीली। इन द इवनिंग ही पिक्ड अप द बास्केट ऑफ सीड्स एंड वेंट टू सो हिज फील्ड। सिर्फ 2 पैराग्राफ आज आपको पढ़ाएंगे, इसका अर्थ देख लीजिए। अनुज वाज द सन ऑफ ए पुअर फार्मर, अनुज एक गरीब किसान का बेटा था। फार्मर किसान, पुअर गरीब। अनुज एक गरीब किसान का बेटा था। ही लिव्ड इन ए विलेज, वह एक गांव में रहता था। रेलवे लाइन वॉज पासिंग बाई हिज विलेज, एक रेलवे लाइन जिस पर रेलगाड़ी चलती है, लोहे की पटरी उसको कहते हैं रेलवे लाइन। एक रेलवे लाइन वॉज पासिंग बाई हिज विलेज, उसके गांव के नजदीक से या उसके गांव के बगल से एक रेलवे लाइन गुजर रही थी। द विलेज वॉज ऑन द वन साइड ऑफ द रेलवे ट्रैक। गांव कहाँ था? वन साइड, एक ओर, एक तरफ ऑफ द रेलवे ट्रैक। रेलवे का जो रास्ता है, रेलवे लाइन जो उसके गांव के बगल से गुजरती है, उसके एक तरफ उसका गांव था। एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑन द अदर, और दूसरी तरफ उसके खेती करने का जो
खेत था, दूसरी ओर उसका खेत था जिसमें किसानी करता था, और एक तरफ उसका गांव था, यानी रेलवे लाइन की एक ओर उसका गांव था और दूसरी ओर उसके खेत थे, यहाँ खेती की जाती थी। अनुज एंड अदर विलेजर्स हैड टू क्रॉस दिस रेलवे ट्रैक। अनुज और उसके दूसरे गांव वाले हैड टू क्रॉस दिस रेलवे ट्रैक, इस रेलवे के रास्ते को पार करना पड़ता था। टू गो टू दियर फील्ड, अपने खेत में जाने के लिए इस रेलवे के रास्ते को पार करना पड़ता था। तो पूरा क्या हुआ, अनुज और दूसरे गांव वालों को अपने खेतों में जाने के लिए इस रेलवे के रास्ते को पार करना पड़ता था। देखिए चित्र में दिखा दिया है, पार कर रहे हैं। इट वॉज रेनी सीजन, बरसात का ऋतु थी, बरसात की ऋतु थी या वर्षा का समय था, बरसात का सीजन था, मौसम था। इट वॉज रेनिंग फॉर सम डेज, कुछ दिनों से वर्षा हो रही थी। बट दैट डे द रेन हैड स्टॉप्ड, लेकिन उस दिन वर्षा बंद हो चुकी थी। कई दिनों से वर्षा होने के बाद उस दिन वर्षा बंद हो गई थी। अनुज फादर केम आउट ऑफ द होम, अनुज फादर, अनुज के ऊपर जो एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है उसके बाद यस लिखा है, इसका मतलब है का होता है, अनुज के, का के ही। अनुज के पिता केम आउट, बाहर आए, ऑफ द होम, घर से, एंड लुक्ड एट द स्काई, और आकाश की ओर देखा। अनुज के पिता घर से बाहर आए और आकाश की ओर देखा। इट वॉज क्लियर, यह बिल्कुल साफ था। देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं थे। ही वेंट टू सी हिज फील्ड, वह अपने खेतों को देखने के लिए गया। द फील्ड वॉज रेडी, खेत बिल्कुल तैयार थे। देयर वॉज एनफ वाटर इन इट टू सो द सीड्स, खेतों में, एनफ मीन्स पर्याप्त, खेतों में पर्याप्त पानी था टू सो द सीड्स, बीज बोने के लिए, बीज बोने के लिए खेतों में पर्याप्त पानी था। ही केम बैक होम हैप्पीली, वह प्रसन्नता पूर्वक घर वापस आया। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही पिक्ड अप द बास्केट ऑफ सीड्स, उसने पिक्ड अप मने उठाया, द बास्केट ऑफ सीड्स, बीजों से भरी हुई टोकरी, बीजों से भरी हुई टोकरी उठाया। एंड वेंट टू सो हिज फील्ड, और अपने खेत में उसे बोने के लिए गया। तो बच्चों ये दो पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप दोहराएंगे, मीनिंग याद करेंगे, उसके आगे का वीडियो कल हम देंगे। धन्यवाद।